ये सामने गेट है, यहाँ से स्टार्ट होता है अमरकंटक। करीब करीब 10 किलोमीटर रास्ता है यहाँ से, और अब ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि अब हम ऊपर जा रहे हैं। और ये अमरकंटक की घाटियाँ चालू हैं, और ऐसी घाटियाँ लगातार अमरकंटक में चलती रहती है जब तक आप ऊपर पहुँच नहीं जाते। सिर्फ फ्लैट है, लेकिन फ्लैट के साथ भी ऊपर नीचे है, और लगातार आप देखेंगे तो चारों तरफ सीनिक व्यू है, इसलिए अमरकंटक फेमस है। अगर आप देखेंगे तो धार्मिक टूरिज़्म भी यहाँ जाता है, और वैसे अगर नेचर का टूरिज़्म तो है ही है, दूर दूर से लोग की आस्था जुड़ी हुई है नर्मदा नदी से। घाटियाँ देखिए कितनी बढ़िया घाटियाँ हैं। अगर एक्चुअली में बाकी पहाड़ आप देखेंगे तो पत्थर के होते हैं, ये पूरा मिट्टी का पहाड़ है, पत्थर बहुत कम है, तो लगातार यहाँ भूस्खलन होता रहता है यहाँ पे। और सीन देखिए आप, पूरे फिल्मी सीन है। आप क्या मसूरी, नैनीताल या शिमला जाएंगे, उससे बेटर या ऑलमोस्ट सेम सीन यहाँ मिल जाएंगे आपको। नेचर का आर्ट इफेक्ट है ये एक्चुअली भी देख के ऐसा बनाते हैं, ये बना बनाया है। आप सीन बनाओगे तो ऐसा सोच के या ऐसा देख के बनाओगे, ये नेचर ने अपने आप बनाया है। ये चानकमार एरिया का लास्ट पॉइंट है, ये यहाँ तक आता है वो, और यहाँ से कबीर चबूतरा का एरिया स्टार्ट होता है। और ये लगातार देखिए पगडंडी, हाल देखिए क्या हो गया इसका, जब से कोविड हुआ है और कोविड के बाद कोई आ नहीं रहा होगा टूरिस्ट वगैरह, तो ये देखभाल भी इसकी नहीं हो रही है, और बारिश में ये ख़राब हुआ होगा। अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या पोजिशन है, यहाँ तो फिलहाल ठीक नहीं लग रहा। अमरकंटक की जर्नी स्टार्ट होती है क्योची से, और अमरकंटक में देखने लायक कितनी चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब अमरकंटक में आप पहुंचते हैं क्योची से, तो क्योची से अमरकंटक के बीच का रास्ता ही देखने लायक है, काफ़ी अच्छे सीन है उसमें। तो पहले उसका व्यू का मज़ा लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए अपनी जर्नी कबीर चबूतरा से, जहाँ पर अभी हम हैं। और कबीर चबूतरा के बाद फिर आप जाइए सोनमुड़ा, सोनमुड़ा के बाद जाइए श्रीयंत्र, श्रीयंत्र के बाद आप जाइए नर्मदा उद्गम जो मंदिर है वहाँ तक जाइए, और फिर उसके आगे जाएंगे तो दूधधारा कपिलधारा दो हैं वाटरफॉल, वहाँ पे आप जाइए, और उसके बाद फिर आप वहाँ से रिटर्न हो सकते हैं, इससे आपकी अमरकंटक की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कबीर चबूतरा आते हैं तो कबीर चबूतरा में तीन चीज़ देखने लायक हैं। एक तो कबीर सरोवर है, जो कि ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पानी नीचे से निकलते हैं, बुलबुले वगैरह रहते हैं। फिर कबीर चबूतरा और कबीर बट, ये चबूतरा है और बट पीछे है, तो वहाँ भी अपन चल रहे हैं। यहाँ बहुत लोग नहीं आ रहे आजकल, पहले काफ़ी लोग आते थे, अब आना बंद कर दिए हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन है। और सही बात है, बाहर भीड़ भड़क का इलाके में नहीं निकलना चाहिए, जहाँ खाली इलाके हैं वहाँ जाइए। होता क्या है, जब लोग आते नहीं हैं तो उसका मेंटेनेंस भी फ़र्क पड़ता है। मेंटेनेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है वो आप देखिए, यहाँ पर कुछ उजाड़ जैसा लग रहा है, बहुत तो नहीं फिर भी कुछ उजाड़ जैसा लग रहा है। एक तो लोग आते हैं तो उनसे भी सुविधा मिलती है, और अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो जो सुविधा या साधन देने वाले लोग हैं उनके लिए भी काम करना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कब तक चलेगी और कब ख़त्म होगी किसी को पता है नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे हम आए हैं, और काफ़ी अच्छा सीन है, चलो तो आप देखेंगे आप तो, काफ़ी जंगल का सीन है। अमरकंटक की सबसे अच्छा है, पर ये उसमें से एक और, ये कबीर चबूतरा है, ये वाला एरिया देखिए, ये कबीर चबूतरा है, ये आप जो देख रहे हैं कबीर चबूतरा, और ऊपर जाएंगे तो कबीर बट वाले एरिया में, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा और उधर से जाएंगे तो शॉर्टकट पड़ेगा। अब कबीर बट जा रहे हैं, वो सामने रास्ता है। अब आप देखिए, जब पिछले बार मैं आया था तो काफ़ी अच्छा रास्ता था, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं तो उजाड़ जैसा रास्ता दिख रहा है। कोविड ने क्या किया है आप देख लीजिए, ये हाल है। और होता क्या है, कुछ समय तक अगर ऐसे ही रहा तो आने वालों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो दोबारा रिपेयर करना उतना आसान होता नहीं है, इसलिए ये चीज़ें अब लॉन्ग टर्म में फ़र्क करेंगी। और ये जो दिख रहा है, ये कबीर बट है, पहले यहाँ पे काफ़ी सिद्धि की है कबीरदास जी ने,
और उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे लोग आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। काफ़ी अच्छा पेड़ है और काफ़ी पुराना पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़ है। अब जब शाखाएं नीचे आती हैं मतलब समझ जाइए उसकी लाइफ बहुत हो गई है, इसलिए शाखाएं नीचे आती हैं ऐसे। तो अभी हम दो चीज़ें यहाँ पे विजिट किए हैं, एक तो केवची से लेके कबीर चबूतरा तक का एरिया जो कि काफ़ी सीनिक व्यू है और लैंडस्केप व्यू मिलता है वो तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया। सेकंड में हम आए थे कबीर चबूतरा, एक्सप्लोर कर लिया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सोनमुड़ा। भाई तुम्हें कैसा लगा ये एरिया अभी कोविड सिचुएशन में, कैसा लगा? अभी वैसे शांत है, अच्छा है, नेचर है, अच्छा लग रहा है अभी तो। बाकी समय भीड़ रहती तो इतना अच्छे से देख नहीं पाते नेचर को। देखिए कोविड होने के कारण क्या हो रहा है कि जैसे आप बाहर निकलते हैं और ऐसे सुनसान एरिया में अगर आप घूमते हैं अपने साधन से अगर घूमते हैं तो बहुत सेफ है। सिटी में घूमना आज की डेट में बहुत रिस्की है, तो अगर जो मैनेज कर पाता है न्यू ईयर वगैरह में भीड़ भड़का से बच पाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जगह के हिसाब से बोलें तो ये तो फिर मतलब मेंटेन होना मुश्किल है, काफ़ी बड़ा एरिया है और लोगों के सहारे ही मेंटेन होता है, तो ये उजाड़ लग रहा है अभी, ये सबसे बड़ा मतलब माइनस पॉइंट है। लोग ही नहीं है कोई टूरिस्ट प्लेस में, अगर लोग ही नहीं है तो फिर तो वो प्लेस कैसे डेवलप होगा? तो वो सिचुएशन अभी हमको पूरे अमरकंटक में दिखने वाली है, देखी नहीं दिखने वाली है। अब देखिए क्या होता है आगे देखेंगे। फर्स्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो प्लस रास्ता जो है वो भी उतना अच्छा मेंटेन नहीं है, अभी नीचे आए तो भी मेंटेन नहीं था, लोग ही नहीं आएंगे तो वो मेंटेन करने के लिए फिर वो पर्पज़ भी ख़त्म हो जाता है, तो आगे हम देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो जो बेस्ट पे होता था वो नहीं है, बाकी नेचर तो नेचर ही है, अपने आप है वो। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कबीर चबूतरा से, और एक्चुअली में गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी होती है पर कोई है नहीं अभी, तो वहाँ तक अलाउ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं और काफ़ी भीड़ रहती थी, काफ़ी अच्छा एरिया था। ठीक है अब देख लीजिए अभी सिचुएशन क्या है। सीनिक व्यू की भरमार है यहाँ पे अमरकंटक में, अगर आप आएंगे तो सीनिक व्यू तो मतलब आंखें भर जाएंगी पूरी आपकी, देख देख के थक जाओगे आप। वहाँ पे डैम सा बना है और वहाँ से बह के पानी इधर आता है, तो धारा कमजोर हो जाती है, बरसात में फुल पे रहती है और अभी वीक हो जाता है पानी, उस हिसाब से है। कल्याण सेवा आश्रम है, यह रुकने की व्यवस्था भी है कोई आता है तो, और काफ़ी अच्छा अंदर से बना हुआ है। अभी ये श्री यंत्र है, लौटते में आएंगे यहाँ पे, ये देखिए इसकी भी अलग स्टोरी है, काफ़ी सालों से बन रहा है, पहले रंग अलग था अब रंग अलग कर दिए हैं। ये है सोनमुड़ा, सोन नदी का उद्गम, वहाँ नर्मदा निकली है यहाँ सोन नदी निकली है। यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, नहीं नहीं लेना भाई, ये चना वगैरह खिलाइए यार। नहीं तुम लोग क्यों नहीं खिला रहे? हम खिला रहे हैं, बस बस तुम लोग खिलाए ना, हम खिलाए, बात एक ही है ना। क्या हो गया? कुछ नहीं, शांत रह कर, तू बहुत बोलता है। अमरकंटक आने के बाद कोई आपको स्वागत करेगा सबसे पहले बंदर, भाई लोग रेडी बैठे हैं। यहाँ से रास्ता है सोनमुड़ा जाने का, इक्का दुक्का लोग घूम रहे हैं, काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, चारों तरफ पेड़ हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए लाइन से पेड़ हैं और यहाँ पे पूरे अमरकंटक में आपको ऐसे ही पेड़ दिखेंगे। अब सामने देखिए आप, पूरा कोहरा है, धुंध, क्या नाम है भाई? इधर उल्टा अपन खड़े क्या? नहीं ठीक खड़े, क्या नाम भाई तेरा यार? संतोष। संतोष भाई फोटो खींचता है, अब कैसी फोटो खींचा पता नहीं पर बोल रहा है अच्छी फोटो खींचता है। रील का सीन देख ली? हाँ वो खींच, किसे खिंचवा के रखा है, खुद नहीं खींचा है, एल्बम है, खींच रहे हैं मतलब खिंचवाए नहीं। तुम खींचते हो जी? भाई खींचता है फोटो, ट्रायल कर लेना, अच्छा लगे तो खिंचवा लेना और नहीं अच्छा लगे तो फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ टाइम का, ठीक है भाई। अब पीछे का आप सीन देखो, सोनमुड़ा का जो बेस्ट सीन है वो ये है, पूरा फॉगिंग और लैंडस्केप, चारों देखिए यार ब्लू जो दिख रहा है वो फॉगिंग है, और दूर दूर तक देखिए तो वहाँ गांव भी दिख रहे हैं,
ये है। देखिए अभी हम अकेले हैं और बाकी सब लोग बेचारे ग्राहक के इंतजार में। ये देखिए सोनमुड़ा के बाद हम जा रहे हैं श्रीयंत्र जाएंगे, फिर वहाँ घूम के फिर आगे जाएंगे। भाई आज शांति कितनी अच्छी लग रही है। आज शांति अच्छी लग रही है, पूरा नेचर अच्छे दिखने को मिल रहा है। वैसे तो इतनी भीड़ रहती थी, देख ही नहीं पाते थे। हाँ तो ये एक प्लस है कि बड़े आराम से आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे डर भी नहीं है, लोग नहीं, क्योंकि उतरते टाइम तो काफ़ी अच्छा लगता है, दो मिनट में नीचे पहुँच जाते हैं। जब नीचे चढ़ना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाने में हालत ख़राब हो जाते हैं। जब भी आप टूरिस्ट स्पॉट जाएंगे काफ़ी चलना पड़ता है। अब थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे यहाँ पे बैठ के, भाई का खाली खाली में अकेले VIP फीलिंग आ रही है। घर चल दे। ऊपर आ रहा है वो भाई, बोल रहा था कॉफ़ी में अदरक डाल दें क्या। मैं कहा इतनी स्पेशल मत बना भाई, इतनी स्पेशल मत बना कि कॉफ़ी चाय लगने लगे। अब जा रहे हैं श्री यंत्र में, जो कि काफी अच्छा बना हुआ मंदिर है। अब ये श्री यंत्र मंदिर है, बरसों से इसको ऐसे ही देख रहे हैं, कलर चेंज हुआ है बस, बाकी बन रहा है। ये दो में लगता है कॉम्पिटिशन है, श्री यंत्र और जैन मंदिर, दोनों बहुत पहले से बन रहे हैं। अभी जैन तो काफी अच्छा बन गया फिर भी, और कंप्लीशन होने वाला है उसका, कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये तो चल रहा है अभी। और आप देखिए यहाँ कुछ काम होता भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, तो ये थोड़ा तंत्र मंत्र वाले भी हैं ऐसे कि उनको उसमें ज़्यादा सिद्धि करना है, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। रास्ता तो बंद है, पर हमारी मोटरसाइकिल निकल जाएगी यहाँ से, कार नहीं निकल पाएगी। अब ये नर्मदा का उद्गम स्थल है, यहाँ से नर्मदा नदी निकली है, और भीड़ का वही हाल है। अब ये नर्मदा उद्गम मंदिर है, ये पूरा देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और यहाँ से नर्मदा नदी निकली है। एक्चुअली में क्या होता है कि पहाड़ है पूरा, तो पानी सोखता है पूरा और फिर कई जगह से निकलता है, तो यहाँ से ज़्यादा निकला है इसका पार्ट, तो ये उद्गम मानते हैं। और काफ़ी आस्था है, वो मंदिर भी बना है वहाँ पर, नर्मदा नदी का मंदिर, और चारों तरफ मंदिर हैं जो बाकी लोग पूजा करने आते हैं।
भगवानों के मंदिर भी हैं, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। लेकिन पहले ऐसा माहौल अभी है नहीं, और अच्छी बात भी है, भीड़ का ना हो, लोग आराम से जाएं और घूम के आ जाएं। बंदरों का आतंक बहुत है, बंदर बहुत है। जितनी सुबह ठंड लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है, हालांकि उतनी गर्मी फिर भी नहीं लग रही, चल रहे हैं या घूम रहे हैं इसलिए है, अदरवाइज ठंड तो यहाँ भी है। अभी थोड़ा गाड़ी में जाएंगे तो काफ़ी ठंड लगेगी वहाँ पे, और पूरा वाइट होने का काफ़ी अच्छा एरिया दिख रहा है, पूरा वाइट और काफ़ी अच्छा मेंटेन है। चलिए अब बाहर चलें, अब अगला जैन मंदिर जाएंगे। अब यहाँ दर्शन हो गए हैं पूरे, अब आगे जा रहे हैं हम लोग जैन मंदिर। वो है जैन मंदिर जो बन रहा है, वो उसकी मीनार दिख रही है बगल में, कंस्ट्रक्शन में, हाई एरिया में है, पीक कह सकते हैं आप यहाँ पे अमरकंटक सिटी के अंदर का। अब अंदर जा के देखते हैं, हालांकि दिख तो पूरा रहा है और काफ़ी बना है पहले से। दूसरा रास्ता उधर से, ये पीछे देखिए जैन मंदिर है, बन काफी अच्छा रहा है, लेकिन बने कब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देख लीजिए बहुत अच्छा बन रहा है, और हो सकता है कि अमरकंटक का बेस्ट पॉइंट भी बन जाए ये जब बन जाए तो, लेकिन जब बन जाए तब है। काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि ऐसे ही बन रहा है, और इधर सामने उसकी मीनार, तो ये दोनों काम हो रहा है, लेकिन कब कंप्लीट होगा पता नहीं। क्या हाल है भाई तुम्हारा? चल चल के घूम के थक गए, ठंड अलग थी सुबह रे, अभी तो उतनी नहीं है क्योंकि चल भी काफ़ी रहे हैं और धूप भी आ गई है, लेकिन ज़रूर है जहाँ पे पेड़ वेड़ है वहाँ पे ठंड लग रही है। और अमरकंटक का जो व्यू है, वो जो पहले होता था लोगों के साथ, वो बोलते हैं ना अपना मज़ा सबके साथ है, वो वाला हाल अभी नहीं है, लोग कम हैं, तो एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से वो हेल्दी नहीं है। तो बन तो काफ़ी अच्छा रहा है, देखिए ऊपर का सीन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा बन रहा है, और दीवारों पे बड़ा अच्छी नक्काशी हो रही है। अक्षरधाम मंदिर आपने अगर देखा हो दिल्ली का, तो वो इसी टाइप की कलाकारी उसमें है, और आजकल उसी टाइप के मंदिर ज़्यादा बन रहे हैं। मेरे ख्याल से राम मंदिर भी वैसा ही बन रहा है, अयोध्या वाला, ये उसी पैटर्न पर है और बहुत अच्छा है, और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से एक अच्छी बात है कि वहाँ पे एक और पॉइंट डेवलप हो गया, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा, पर जब एक बार हो जाएगा तो बहुत बेटर दिखेगा। ये देखिए आप कितनी बारीक कलाकारी की गई, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, दूधारा कपिलधारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे है नहीं एक बार, हालांकि जब हो जाएगा तो फिर हो सकता है इतना ईजी ना हो यहाँ पर दर्शन करना। लोग दिख नहीं रहे हैं, और वो इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है कोविड का, जो हर जगह एक्चुअली में टूरिस्ट स्पॉट पे है। इस साइड से हम लोग आए थे, सीधा जाना है, 4 किलोमीटर है यहाँ से, 3.4 इधर से निकले थे। अभी देखिए यहाँ पिकनिक वाला एरिया चल रहा है, ये लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ तक अपन आ सकते हैं गाड़ी से। ये एरिया जो लास्ट स्पॉट है गाड़ी के लिए, और खाने पीने के स्पॉट के हिसाब से भी लास्ट है ये, जितने रेस्टोरेंट वगैरह सब यहीं पे हैं। इसके आगे वॉकिंग करके करीब करीब 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो वाटरफॉल है।
पूरा खा रहे हैं लोग तो। भाई लोग खतरनाक स्टंट करते हुए लास्ट एज में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। या इंसानों से ज़्यादा लंगूर दिख रहे हैं, लंगूर बहुत है। और एक्चुअली में कोविड कारण सब निकल आए बाहर, खाना वाना शायद नहीं मिल रहा उतना, तो सब निकल आए। ये कपिलधारा का नीचे का व्यू है, ऊपर से अभी व्यू लिया था और नीचे का व्यू देखिए आप। ऊपर से पानी काफ़ी कम दिखता है लेकिन अभी नीचे आने के बाद काफ़ी फ्लो दिख रहा है। आवाज़ से मालूम पड़ रहा है कितना हैवी पानी गिर रहा है, लेकिन अभी और जाना है आगे दूध धारा, तो वॉकिंग 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 है, तो देखते हैं। बाकी सीन बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए और चल रहा है अभी। हेलमेट कम कैप है ये। शानदार ट्रैकिंग का नज़ारा है ये, हालांकि अभी उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा, ये तो पानी पूरा यहाँ भरा हुआ दिखता था। अभी काफ़ी पेड़ बढ़ गए हैं यहाँ पे, अदरवाइज पानी भरा हुआ वहाँ तक दिखता था, वहाँ पानी रहता था पूरा और पास से ही दिखता था, लेकिन काफ़ी पेड़ बढ़ गए हैं तो उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा। लेकिन ट्रैकिंग ज़बरदस्त है, यहाँ उतरने में काफ़ी टाइम लगेगा और चढ़ने में तो आप समझ लीजिए दोगुना टाइम लगेगा।
पूरे रास्ते में देखिए आप जलपान की व्यवस्था आपको मिलेगी, नींबू पानी, शरबत वगैरह, गन्ने का रस वो मिलता था, तो रास्ते भर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, खाने को नहीं मिलेगा, पीने के लिए मिलता रहेगा। एनर्जी डाउन हो गई, क्या हुआ? बस पहुंच गए। ये दूध आ रहा है, मतलब फ्लो वहाँ बनता है, स्टार्ट यहाँ से। सीन देखिए कितना बढ़िया, जंगल के बीचों बीच एकदम नीचे। आगे चलते हैं, यहाँ ट्रैकिंग का मजा ही अलग है। बगल में नदी बह रही है, वो भी नर्मदा, और चले जा रहे हो आप एकदम नीचे। ये ट्रैक दो पार्ट में है, एक तो आपको ऊपर खपड़ रास्ते मिल रहे हैं, दूसरा बगल में आवाज मिल रहा है बढ़िया वाला। और ये है दूधरा, दूधरा ये लास्ट पार्ट है, इसके आगे जाने लायक रास्ता है नहीं। ये लास्ट पार्ट है यहाँ पे अमरकंटक का, और सबसे नीचे का पार्ट है ये दूधरा है, और यहाँ तक आप आ सकते हैं ट्रैक करके, इसके आगे जा नहीं पाएंगे, चलने लायक नहीं है, जंगल है, रॉ है पूरा। तो अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और पसंद आया हो तो अपने नियर डियर को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाते रहते हैं। अमरकंटक से बाय बाय। हालत पस्त, अभी ऊपर भी जाना है।